अब हम आज देखेंगे WM से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो हमने WM का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किया था कि सबसे ऊपर होता है वेयरहाउस, उसके बाद आता है स्टोरेज टाइप, उसके बाद स्टोरेज सेक्शन, उसके बाद उसके स्टोरेज बिन, और उसके बाद आता है क्वांट, ठीक है। तो अभी जैसे मैं सारी चीजें मैं तुम्हें इसमें दिखाऊंगा, नहीं है बंदे भी नहीं है WM के, दिक्कत है उसकी यही, अभी सीखेंगे धीरे धीरे, मैं इसीलिए तैयार कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब तैयार होंगे। तो जैसे देखोगे ये स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में हमने पूरा बना तो दिया था, लेकिन आज हम एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। तो हमारा वेयर हाउस WM जो स्टार्ट होता है वेयर हाउस से, ये 3 डिजिट का नंबर होता है SAP में, ठीक है, और 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, और ये वही पूरे वेयर हाउस को जो फिजिकल वेयर हाउस है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्टोरेज टाइप वेयर हाउस का सब डिवीजन होता है, जैसे वेयर हाउस में बहुत सारे स्टोरेज एरिया है मटेरियल रखने के लिए, जिस तरीके का मटेरियल है उस तरीके का उसका स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है। तो स्टोरेज टाइप स्टोरेज एरिया ही होता है, ये भी 3 करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक होता है। मैंने HRS लिया है, हाई रैक स्टोरेज, OPS लिया है, ओपन स्टोरेज, BLK लिया है, बल्क स्टोरेज, ठीक है। ओपन स्टोरेज जहाँ पे बिन वगैरह नहीं रहती, फ्लोर वगैरह पे डायरेक्ट रख देते हैं। HRS हाई रैक स्टोरेज जहाँ पे रैक में बिने होती है उसमें मटेरियल होता है। बल्क जहाँ पे एक साथ ज्यादा मटेरियल रखा जाता है। ये किस टाइप का होगा सर? दिखाऊंगा अभी तुम्हारे को। सेक्शंस, ये बल्क में जैसे सपोज करो तुम जो मटेरियल ले रहे हो ना, एक ही जैसा मटेरियल डब्बे के डब्बे उठा रहे थे, एक ही पैलेट पे 50-50 मटेरियल आ रहे हैं, वैसे समझ लो जहां भी तुम बल्क स्टोरेज वहां यूज करते हैं, जहां एक साथ ना एक पैलेट पे बहुत सारा स्टॉक आता है, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से हम वो डिवाइड कर देते हैं उसको, तो उसको बल्क स्टोरेज बोलते हैं। सेक्शंस, अब स्टोरेज टाइप का सब डिवीजन, जैसे मैंने बताया था कि 3 सेक्शन है, मान लो एक वेयर हाउस है, एक स्टोरेज एरिया हाई रैक, और हाई रैक में ये 3 लेयर है, मान लो, ठीक है, एजिल बोलते हैं उसको वेयर हाउस में, एजिल 1, एजिल 2, एजिल 3, उसको वेयर हाउस में अगर स्टोरेज टाइप को फर्दर सेग्रीगेशन करना तो उसको सेक्शन कहते हैं। तो ये 3 सेक्शन हो गए, कई बार 2 बना देते हैं, लोअर और अपर, तो मैंने यहाँ 001 लोअर, 002 अपर, ठीक है। बिन जो होती है वो फिजिकल लोकेशंस होती है जहाँ पे हम मटेरियल रखते हैं। लास्ट आ जाता है क्वांट, ठीक है। अब ये क्वांट क्या होता है? तो क्वांट कुछ नहीं है, सिंपल तुम ये समझो कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन बिन, उसे क्या कहते हैं? क्वांट। अब जैसे सपोज करो ये क्यों बनाया है क्वांट, तो मान लो ये एक ही बिन है, ये एक बिन है, मैं लेता हूं इसको, एक बिन है ये, ठीक है, और इस एक ही बिन में 3 मटेरियल है, Material 1, Material 2, Material 3, Material 4, ठीक है। तो अब इस बिन में वो चारों का स्टॉक दिखाएगा, तो इन चारों की क्वांटिटी अलग अलग दिखानी है, उसके लिए SAP में क्वांट एक नंबर होता है, इंटरनल नंबर, जो होता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनटू बिन, जो एक बिन में क्वांटिटी को मैनेज करता है। और जब तुम एक मटेरियल वन को, अब सपोज करो इसमें से मटेरियल वन उठा के तुम किसी दूसरी बिन में, जैसे मान लो एक और बिन है, ठीक है, और उसमें तुम उठा के इस मटेरियल वन को यहां से उठा के ना दूसरी जगह रख रहे हो, तो इसका एक क्वांट होगा, और तुम जब यहां रख दोगे, ठीक है, तो उसका दूसरा क्वांट बन जाएगा, ठीक है। तो इस मटेरियल, इस बिन के अंदर उस मटेरियल की क्वांटिटी जैसे तुमने मूव की, तो वो पुराना वाला क्वांट हट जाता है, एक नया और क्वांट बन जाता है। ये इसलिए बनाया SAP ने, ताकि एक बिन के अंदर जो क्वांटिटी है मटेरियल की उसको मैनेज किया जा सके, ठीक है। अब सपोज करो इसी बिन में मटेरियल वन जो है ये फ्री स्टॉक है, ठीक है, मटेरियल ये वन जो है ये ब्लॉक स्टॉक है एस कैटेगरी के साथ, ठीक है। तो अब इसके कितने क्वांट हो जाएंगे? 2 क्वांट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को अलग अलग दिखाना है, ठीक है। तो क्वांट जो है वो है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन बिन विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, कि ब्लॉक में है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, कस्टमर स्टॉक है, क्या है। तो एक ही तरीके का मटेरियल को आइडेंटिफिकेशन एक बिन के अंदर करना होगा, उसके लिए क्वांट। तो क्वांट कुछ नहीं है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन बिन है, SAP का इंटरनल नंबर है, ये इसीलिए यूज करते हैं कि बिन में इन्वेंट्री मैनेज की जाए, ठीक है। ये वेयर हाउस में SAP ने ये दिया है, ये इंटरनल तुम्हें कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा इंटरव्यू में, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्वांट क्या होता है। पहला क्वेश्चन होता है वेयर हाउस स्ट्रक्चर क्या है,
दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्वांट क्या है, और फिर क्वांट में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कब बनता है, होता क्या है, क्या बना सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं, कब डिलीट कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा, वो क्वांट पे लोग पूछते हैं। फ्री स्टॉक क्या होगा आपके? ठीक है, फ्री स्टॉक वो चार तरीके की स्टॉक कैटेगरी बताई थी मैंने, तो एक कैटेगरी बताई थी फ्री, जो कहीं भी यूज की जा सकती है, ठीक है, एक कैटेगरी बताई थी क्वालिटी, चार स्टॉक बताए थे ना, फ्री स्टॉक, ब्लॉक स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक, ठीक है, और रिटर्न स्टॉक, चार कैटेगरी बताई थी ना। जब स्टॉक देखते हैं तो उसको चार, ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज स्टॉक कैटेगरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टॉक कैटेगरी, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये एमएम में पूछा, हाँ एमएमडब्ल्यू में पूछ, तो चार तरीके की होता है, फ्री स्टॉक हुआ यूज करने के लिए, कहीं भी यूज हो सकता है, ब्लॉक उसको कहीं यूज नहीं कर सकते, क्वालिटी पहले उसकी क्वालिटी होगी उसके बाद वो फ्री स्टॉक में आएगा, रिटर्न स्टॉक कस्टमर का रिटर्न मटेरियल, इसके अलावा और कोई स्टॉक कैटेगरी है? इस तरह का ब्लॉक भी क्या एब्सोल्यूट मटेरियल है? नहीं, कैसे के ब्लॉक के कुछ भी रीजन हो, ठीक है, एक्स वाई जेड रीजन हो, ठीक है, तो ये हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब मैं तुम्हें इसे एसएपी में दिखाता हूं, ठीक है, तो एसपीआरओ में जा रहे हैं हम कॉन्फ़िगरेशन में। अंशुल आवाज आ रही है ना? हां सर आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। तो एसपीआरओ में अब हमें देखना है, जैसे हमारा एमएम से भी हम ऑर्गेनाइजेशन इसी से बना रहे थे, इसी कमांड से बना रहे थे, बिल्कुल सबके लिए, सबके लिए एसपीआरओ ही एक ही है बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल सारे कंसल्टेंट यही यूज करते हैं, तो डब्ल्यूएम वाला भी यही करेगा, एमएम वाला भी यही करेगा। तो मैं इम्प्लीमेंटेशन गाइड में गया, अब मैंने जो तुम्हें दिखाया इनका वेयर हाउस में ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये टीडब्ल्यूपी, ठीक है, तो मैं पहले उसको देखूंगा। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कह लो, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कह लो, वहां जाएंगे, असाइनमेंट में जाएंगे। तो ये वेयर हाउस किस प्लांट का है? लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में जाएंगे, तो मैं यहाँ तुम्हें दिखा दूंगा, जैसे असाइन वेयर हाउस नंबर टू प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन। अब एक यहीं से इंटरव्यू का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि वेयर हाउस कैसे कैसे असाइन हो सकता है, ठीक है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग से करेंगे, अभी तुम देख लो कि कैसे बन, तुम्हारा प्लांट क्या था भाई? TWPN PS है तुम्हारा, मुझे भी लगा था, देखो ये दिख रही है, ये प्लांट है और ये स्टोरेज लोकेशन, ठीक है, अब इसमें मुझे TWPS, तुमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन और करी है क्या? नहीं, मैंने एन को छेड़ा था, TWPS नाम छेड़ा, ठीक है, तो इसमें देखो एक वेयर हाउस की मैपिंग की है, सेंट्रल वेयर हाउस ये मैपिंग कर रखी है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे दिखता है कि किस प्लांट में कौन सी स्टोरेज लोकेशन वेयर हाउस मैनेज्ड है या नहीं, ठीक है, तो एक प्लांट का अगर एक ये स्टोरेज लोकेशन है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में तुम एक ही वेयर हाउस लगा सकते हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में तुम इसके दो वेयर हाउस नहीं लगा सकते, ये तुम्हें एरर दे देगा, ठीक है, तुम करना चाहोगे तो ये तुम्हें क्या दे देगा? एरर। ऐसे क्यों? एक ही स्टोरेज लोकेशन के दो वेयर हाउस नहीं बनाए, एक ही वेयर हाउस, ठीक है, तो हमने क्या बताया था, प्लांट के बाद स्टोरेज लोकेशन आता है, स्टोरेज लोकेशन के बाद क्या आता है, वेयर हाउस, तो एक स्टोरेज लोकेशन का एक वेयर हाउस सफिशियंट है बनाने के, इसलिए नहीं। हाँ, लेकिन अगर अलग अलग स्टोरेज लोकेशन है, देखो TWP1, TWP3, TWP4, ये अलग अलग है ना लोकेशन, तो इन सब का एक ही वेयर हाउस होता है कॉमन, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास पांच स्टोरेज लोकेशन है उसका एक कॉमन वेयर हाउस हो सकता है, लेकिन एक स्टोरेज लोकेशन के पांच वेयर हाउस नहीं हो सकते, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो ये यहाँ से दिख रहा है कि किस प्लांट का, किस लोकेशन का क्या वेयर हाउस, ठीक है। अब आओ जरा वेयर हाउस देखें हम, तो यहाँ पे ये तो असाइनमेंट दिखाई है मैंने, तो यहाँ से स्टार्ट होता है वेयर हाउस। अब आते हैं डेफिनेशन में जाओगे, जहाँ हमने वेयर हाउस डिफाइन किया है, तो डेफिनेशन में लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन के अंदर ये आता है, ये देखो आ रहा है कॉपी चेक, जहाँ से हमने वो कॉपी किया था, ठीक है, और हमने अपना जो वेयर हाउस बनाया था हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, वेयर हाउस हमने बनाया था TWP, ठीक है, ये रहा सेंट्रल वेयर हाउस जो हमने वहां मैप कर रखा, ठीक है। SC16 एक जनरल टेबल होती है जहां से आसानी से तुम देख सकते हो किसके यहाँ क्या मेंटेन, ठीक है, तो वेयर हाउस की असाइनमेंट जो है वो T300 है, टेबल है T301, ठीक है, तो यहाँ से तुम जब डालोगे, तुम्हारा वेयर हाउस डालोगे TWP, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये किस प्लांट के साथ में असाइंड है, ठीक है, TWP सॉरी इस प्लांट के साथ नहीं, ये वेयर हाउस है, तुम अपना वेयर हाउस सर्च कर सकते हो इसके साथ, ठीक है,
के डालेंगे, के डालोगे तब प्लांट के साथ वो आएगा। ये था स्टार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर नहीं कुछ याद आ रहा है, क्योंकि सारी चीजें याद नहीं रखी जा सकती, तो तुम यहाँ से देख सकते हो। तो देखो इसकी तीन है, वेयर हाउस नंबर और वेयर हाउस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसकी अलग और पीछे मैं बता दूंगा, देख लो। अब स्टोरेज टाइप की देखनी हो तो T301 है, मारोगे अपना वेयर हाउस डालोगे। तो मैंने तुम्हें दिखाया था कि हमने दो स्टोरेज टाइप बनाई थी, देखते हैं बनी नहीं होगी तो हम बनाएंगे उसे, ठीक है। TWP डाला वेयर हाउस, अब उसमें देखते हैं स्टोरेज टाइप क्या हमने बनाई है। तो TWP में देखो, हमने जब कॉपी किया था ना वेयर हाउस, तो उससे सारे ये स्टोरेज टाइप बन गई थी स्टैंडर्ड वाले से जो कॉपी किया था, ठीक है। अब तुम्हें सेक्शन देखना हो, ऐसे ही 301 की जगह 302 डालो, 304 डालो, सब बात अपने आप ही बताता जाएगा, ठीक है। तो स्टोरेज सेक्शन देख सकते हैं EWP में। तो हमने जो क्योंकि कॉपी किया था वेयर हाउस, तो स्टैंडर्ड वेयर हाउस से, तो वो अपने आप ही स्टोरेज सेक्शन भी कॉपी हो गया, तो इसमें स्टोरेज सेक्शन भी, ठीक है। लेकिन हमने क्या बनाया है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं हमारा वेयर हाउस क्या है, TWP, उसमें स्टोरेज टाइप HRS है क्या, नहीं है तो हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ आया, यहाँ पे हम 301 में गए और अपनी स्टोरेज टाइप सर्च की, वेयर हाउस क्या है TWP, स्टोरेज टाइप HRS, एग्जीक्यूट किया, हायरक स्टोरेज बना रखी, ठीक है। बनानी हो तो कैसे बनाते हैं वो देखो, यहाँ आएंगे और ये तो कॉन्फ़िगरेशन थी इसकी। अब वेयर हाउस में एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अलावा अलग से लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन आएगा, जहां से केवल वेयर हाउस की सेटिंग, वो तो ऑर्ग स्ट्रक्चर की सेटिंग थी। तो नीचे जाओगे तो लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन मिलेगा, और यहां पे तुम्हें दिखेगा देखो क्या वेयर हाउस है और उस वेयर हाउस में क्या क्या स्टोरेज टाइप है। तो जैसे मान लो तुम्हें स्टोरेज टाइप बनानी है, वो मास्टर डेटा का पार्ट होगा, ठीक है। तो मास्टर डेटा में जाओगे, मास्टर डेटा में देखो ये सारी चीजें आ रही है। तो हमने क्या पहले देखा था, स्टोरेज टाइप, यहाँ जब डबल क्लिक करोगे तो तुम स्टोरेज टाइप बना सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें एक स्टोरेज टाइप बनानी है अपने TWP वेयर हाउस में, ये है वेयर हाउस, और तुम्हें कोई नई बनानी है, ठीक है। तो तुम पहले देखो यहाँ एक साइन आ रहा है डिटेल का, अब तुम्हें इस चीज की डिटेल देखनी है, तुम यहाँ से देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। कॉपी करने का ये सेम ही ऑप्शन है कि इसी को कॉपी करके बना लेते हैं, नई एंट्री मतलब एकदम से नया से सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादातर हमें कॉपी करना चाहिए क्योंकि एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी खराब नहीं होती, ठीक है। तो पहले हम डिटेल देख लेते हैं, मैं तुम्हें डिटेल बताता हूँ क्या होती है। तो देखो ये खुल गई है 001, ठीक है, हायरक स्टोरेज है ये। यहाँ पे देखो ये जो पुटअवे स्ट्रेटेजी है, दो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी बिन में मटेरियल आएगा दो ही चीज होंगी, या तो ला के मटेरियल रखोगे या तो उसमें से मटेरियल निकालोगे, तीसरी कोई सिचुएशन होगी। तो पुट अवे स्ट्रेटेजी होती है पुट करने के लिए, और स्टॉक रिमूवल स्ट्रेटेजी होती है निकालने के, ठीक है। तो ये दो स्टोरेज, ये दो चीजें बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लगी हैं तो उसके अंदर पुट अवे स्ट्रेटेजी और पुट अवे रिमूवल स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें देखो अब लगी कौन सी है देख लेते हैं। तो एल लगा हुआ है, एल क्या है, अब यहां से जाके F4 करके देख सकते हैं, नेक्स्ट एम्प्टी बिन। नेक्स्ट एम्प्टी बिन क्या होता है कि पुटअवे करते समय अगर वो बिन भरी हुई है तो उसकी अगली वाले बिन पे हो सकती, ठीक है। इस तरीके से हर चीज की मतलब है। स्टॉक प्लेसमेंट रिक्वायर कंफर्मेशन, मतलब तुम अगर मटेरियल उस बिन में रखने जा रहे हो तो क्या तुम्हें PO कंफर्म करना है। TO जैसे तुमने अभी PRPO पढ़ा था, वेयर हाउस में तुम TO सुनोगे। TO का मतलब है ट्रांसफर ऑर्डर, मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा ये क्या होता है जो क्लासेस आएंगी उसमें। आज मैं खाली इसकी स्टोरेज टाइप सेक्शन और इनकी स्ट्रेटेजी और रख के दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। अभी मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ कहाँ क्या होता है, ठीक है। ये टिक होता है, उसके अलावा ये दो चीज होती है इम्पोर्टेंट, डेस्टिनेशन बिन चेंज ड्यूरिंग कन्फर्म। अब मान लो वो कह रहा है ट्रांसफर ऑर्डर कि तुम्हें इस जगह नहीं रखना है मटेरियल, दूसरी जगह रखना है, पर तुम्हें ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ और दिखा रहा है कि नहीं यहाँ रखना है, तो अगर ये टिक है तो ये तुम्हें अलाउ करेगा कि रखते समय चेंज करना है नहीं, ठीक है। मिक्स्ड स्टोरेज, अगर उसी मटेरियल की तुम चाहते हो मिक्सिंग हो उस बिन के अंदर, एक ही बिन के अंदर, तो उसको अलाउ कर दोगे तो ये मिक्सिंग कर लेते। एडिशन टू स्टॉक, उसी में ऐड करके अगर स्टॉक ऐड करना चाहते हो, क्वांटिटी जोड़ना चाहते हो तो ये अलग अलग सेटिंग दी हुई है।
ठीक है, स्टोरेज टाइप की सेम ऐसे ही रिमूवल में निकालते समय क्या कंफर्मेशन चाहिए, हाँ चाहिए। तो इसका इसकी अगर देखनी हो कि कौन सी लगी हुई है, तो ये एफ लगी हुई है। ये दो तरीके की होती है, एक है बहुत हम ये देखो ये सारी कैटेगरीज हैं, तो एफ लगी है मतलब फीफो। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले गया है सबसे पुराना मटेरियल पहले निकलेगा, फीफो का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये बाकी बहुत सारी चीजें यूज की नहीं है, जब आएगी तब देखो, ठीक है। तो ये स्टोरेज टाइप कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हें बनाना हो तो मैं एक अभी बना के दिखा देता हूँ। तुमने वीडियो देखी नहीं क्या लास्ट वाली उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन तो तुम अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लाए हो, बना लाओ कल बना के लाओ कभी, तो तुम्हारी वेयर हाउस का तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसा ही तुम स्ट्रक्चर बना के लाओ, फिर तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन भी कर देंगे, ठीक है। तुम अपने लिए बनाना, इसकी फोटो खींच के इनसे हेल्प ले लेना, ये बता देंगे, ठीक है। और सेम बना के लाना, फिर तुम्हारे लिए बना देंगे। अभी ये बना के लाए थे तो इनके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, ठीक है। मैं बना के ले आऊंगा कल, ठीक है। स्टोरेज टाइप बन गई, सेम ऐसे ही सेक्शन बनाना हो, सेम ही तरीका है, कुछ है नहीं, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब क्या है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे वेयर हाउस है, अब उसमें हमें सेक्शन बनानी है, क्योंकि तभी चलेंगी चीजें आगे। अब देखो ये सेक्शन ऑलरेडी बनी हुई है 001 और 002, ठीक है। अब हमें स्टोरेज टाइप में देखनी है, हमने स्टोरेज टाइप अभी क्या बनाई है, ओपीडी। तो ओपीडी में अभी बनी नहीं होगी, ठीक है, ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बनाई नहीं है अभी, तो हमें ओपीडी में बनानी पड़ेगी, ठीक है। जो कोड है हम न्यूमेरिकल रखने हैं या अल्फाबेट रखने हैं, ये सब तुम जैसे रख लो, ये कंपनी डिसाइड करती है, ये हम नहीं डिसाइड करते। जो इंप्लीमेंट करवा रहा होता है ना, वो डिसाइड करता है उसको अपने यहाँ कैसा स्ट्रक्चर रखना, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अपनी जो ओपीडी बनाई है हमने, उसके लिए हम दो सेक्शन बना लेते हैं, अपर लोअर, ठीक है। लोगो सेलेक्ट किया, ओपी किया, यहाँ लिख लिया ओपीडी, स्टोरेज टाइप जो अभी बनाई है ओपीडी, और इसको सेक्शन को दे दिया अपर या लोअर, दे दो इसको नीचे पहले को, और इसको दे दिया अपर। तो अब हमारी ये स्टोरेज टाइप स्टोरेज सेक्शन दोनों में, अब हम बिन बनाएंगे। तो बिन बनाने के मैंने एक बिन तुम्हें ट्रांजेक्शन बताई थी ऑलरेडी, एक वीडियो डाली हुई है, वो देखना, मैं तुम्हारे से बता देता हूँ। बिन क्या होती है, जहाँ हम मटेरियल रखते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है, हाँ ये मास्टर डेटा जैसे तुमने देखा था ना वैसे ही होता है। LS01N होता है बिन बनाने के लिए, 2 चेंज करने के लिए, 3 देखने के लिए। LS01N किया, अब हमने जो अपना वेयर हाउस बनाया TWP, एक स्टोरेज टाइप अभी क्या बनाई, ओपीडी नहीं बनाई है। बिन अब हमें जो चाहिए, तो मैं अपने नाम से ही बिन बना दे रहा हूँ, ओम, ठीक है। एंटर मारूंगा, सेक्शन मांगेगा, सेक्शन हमने 001 बना दिया है, ठीक है। सेव करूंगा ये बिन टाइप। अब ये देखो बिन टाइप क्या होती है, जब बिन बनाने जाते हो तो ये बिन बताती है कि कितने इस बिन का साइज क्या है, ठीक है। तो ये वो बिन टाइप है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूंगा मैं उसमें। अभी तो हम ले लेते हैं, 1 मीटर की है, 2 मीटर की है, ब्लॉक साइज क्या है, वो सब बिन का साइज होता है बिन टाइप, ठीक है। तो ये बिन बन गई, ठीक है। अब ये बिन बन गई, अब हमें चेंज करना हो तो LS02N यहाँ डालोगे हम, ये चेंज होने के लिए तैयार, ठीक है। अब तुम्हें इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, वेरिफिकेशन जो भी चेंज करना चाहे तुम कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट साइट होता है, मान लो तुम नहीं चाहते कि इस बिन में कोई मटेरियल रखा जाए, तो पुट अवे ब्लॉक कर दो, तो यहाँ मटेरियल कोई रख नहीं से, हम नहीं से करेंगे साथ के साथ, बिल्कुल कोई नहीं चाहते कोई निकाल के ले जाए, तो तुम यहाँ रीजन कोई देना चाहते हो कि क्या रीजन है भाई, तुम क्यों नहीं चाहते यहाँ ना पुट अवे हो ना वो, तो तुम जो भी रीजन हो, कि ये रीजन भी बनाने का ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन, वो तुम डाल सकते, ठीक है। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो बिन बन गई हमारी, चेंज भी हो गई। डिस्प्ले करना हो तो वही NLS03N, कोशिश करना हमें सर 3 में खोलना कोई भी ट्रांजेक्शन, अदरवाइज कोई दूसरा उस पर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम, ठीक है।
तो ये हमारी क्या बन गई, बिन बन गई। अब हमने जो प्लांट बनाया था, ठीक है, उसका वेयर हाउस वगैरह सब बना हुआ है, बिन भी बन गई, स्टोरेज टाइप भी बन गई। अब हम मीगो करेंगे और उस लोकेशन पे करेंगे जहाँ पे हमारा क्या है, वेयर हाउस मैनेज स्टोरेज। तो हम अपना वो पीओ निकाल लेते हैं 2M, ME 2M से हम वो पहले अपने प्लांट का TWPN के ऑर्डर निकालते हैं सर, ठीक है, परचेजिंग डॉक्यूमेंट प्लांट है तो एस एस, ठीक है, TWPS अपने पहले ऑर्डर निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर हमारे पास ऑलरेडी होंगे, ठीक है, मतलब कोई SAP में काम नहीं कर रहा देख के ऐसा लग रहा है, इतने कम ऑर्डर पड़े हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं बनाया, नहीं बनाया नहीं। हाँ, तो अब देखो इसमें, देखो ये दिखा रहा है कि इसमें एक क्वांटिटी रिसीव हुई है, है ना, तो अब हम क्या करते हैं, इसी पीओ को यूज कर लेते हैं और इसी का मटेरियल वेयर हाउस वाली लोकेशन में रख लेते हैं जो हमने बनाई है TWP1, ठीक है। तो गए मीगो करेंगे, पीओ ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए पीओ नहीं देख रहे हैं, मीगो पे गए, हमारा पीओ ये है, इसकी परचेज हिस्ट्री में देखोगे एक ही पीस लिया था हमने, 10 लिए थे, ठीक है, तो 90 अभी खाली है। तो यहाँ जाओगे, यहाँ पे गुड रिसीव करोगे, किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर के, अपने आप आ गया, प्लांट डालेंगे, प्लांट देखो अपने आप आ गया, यहाँ मूवमेंट टाइप अपने आप आ गई, 101 मूवमेंट टाइप होती है गुड रिसिप्ट के लिए, ठीक है। अब जैसे ही चाहोगे, अब देखो यहाँ पे अभी परचेज में वेयर स्टोरेज लोकेशन में जो है क्या रहा है, TWP7, ये वेयर हाउस मैनेज लोकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ वेयर हाउस नहीं आ रहा है, हमारी वेयर हाउस लोकेशन क्या है, TWP1, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो मैंने बताया था वही बना रखा है, TWP1, ये डालोगे, डालते ही यहाँ वेयर हाउस आ जाएगा, आ गया WM, दिख रहा है अंशुल, हाँ सर दिख रहा है, हाँ, तो ये देखो ये वेयर हाउस दिख गया है यहाँ पे। अब जैसे ही ये जो भी स्टोरेज लोकेशन है, तो उस प्लांट की अगर स्टोरेज लोकेशन वेयर हाउस मैनेज है तो ये आएगा, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें जैसे ही इसको सेव करेंगे, पहले हम क्वांटिटी कम कर लेते हैं, 10 क्वांटिटी ही ले लेते हैं, चेक यू हैव नॉट फ्लैग्ड, ओके ओके, मतलब सब कुछ ठीक है, हमने चेक कर लिया कि ये मटेरियल तन क्वांटिटी इस स्टोरेज लोकेशन पे रखने जा रहे हैं, पोस्ट करेंगे, ये पोस्टिंग पीरियड देखो फिर से बंद हो गया है ना, क्योंकि पिछले महीने हमने खोला था इसको, ये नया महीना आ गया, MMRV में देखो पहले इसका पोस्टिंग पीरियड है क्या, क्या कंपनी हमारी TWP है, 4-5 है करंट पीरियड, ठीक है, हमारा अब हमें नया पीरियड इसमें पोस्टिंग किसमें अलाउ कर रहा है, ये 5वां, अब देखो अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा महीना ना, तो अप्रैल से, अच्छा ये जो है ये हमने कौन सी कंपनी कॉपी की थी, वहां की थी, तो वहां जनवरी वाला करंट है, तो 5वां महीना खत्म, हमें क्लोज करके अब नया 6ठा महीना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो MM अभी था, MMPV से हम उसे क्लोज कर, ठीक है, कंपनी हमारी क्या हुई, TWPN, ठीक है, आज की क्या डेट है, 11 हर महीने पोस्टिंग ब्लॉक कर जाती है, क्योंकि ताकि पुराने जगह जाके कोई इन्वेंटरी ना हिला, पोस्ट ना कर पाए, ठीक है, क्लोज हो गया पीरियड, ठीक है, टर्मिनेट क्यों हो गया, नो कंजर्वेशन, एक सेकेंड, क्लोज करना है, ठीक है, चेक हो गया, क्लोज है, ठीक है, जिस मंथ तक क्लोज करना है वो ऑटोमेटिक अगला मंथ ले लेगा, हाँ,
उसमें चौथा मंथ था इस हिसाब से। ये एक तरीका और है क्योंकि हम कोई प्रोडक्शन में तो कर नहीं रहे, तो तुम पुराने महीने में करोगे ना तो करने देगा ये पोस्टिंग की, मैं तुम्हें एक क्लास अलग से दी, ठीक है? तो पुराने महीने पोस्ट कर रहा हूँ, गवर्नर ट्रांजिशन दे रहा हूँ, ये मटेरियल दे रहा हूँ उसमें नहीं। हाँ अब देखो, अब एरर स्टार्ट हो गया। क्या कह रहा है ये एरर? क्योंकि हमने क्या लिया, वेयरहाउस ले लिया, मटेरियल हमने क्या किया, वेयरहाउस में एक्सटेंड नहीं किया, तो अब ये कह रहा है कि भैया तुम्हारा ये मटेरियल जो है वेयरहाउस में है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे इस मटेरियल को वेयरहाउस में क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। कौन सी ट्रांजेक्शन है? MM01, ठीक है? तो अभी तुम अपना मटेरियल डालोगे, एंटर मारोगे, अपने वेयरहाउस पे जाओगे, जो दो व्यू हैं, यही इश्यूज आते हैं रेगुलर, ठीक है? यही काम आता है। अब तुम्हारा प्लांट क्या है? TWPS। स्टोरेज वेयरहाउस हमारा क्या है? TWP। स्टोरेज टाइप क्या है बनाई, अभी जो बनाई है वही ले लेता हूँ, ठीक है? मटेरियल लॉक बाय यूजर, अब हमने ये लॉक कर रखा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मीगो कर रहे हैं, तो ये एक जगह एक ही चीज करने देता है, ठीक है? आगे अब ये मटेरियल क्या पूछेगा कि तुम्हें स्टॉक प्लेसमेंट कहाँ करना है, ठीक है, और रिमूवल, यही इसी से ट्रांसफर ऑर्डर बनता है, इसी से TRTO बनते हैं, ठीक है? तो अभी मैं इसमें दोनों में मैंने स्ट्रेटेजी बनाई नहीं है, तो मैं एग्जिस्टिंग ले लेता हूँ, उसकी क्लास में अलग से दूंगा, ठीक है? तो ये जो मिल रही है मैं उसी को ले लेता हूँ, फिक्स बिन ले लेता हूँ, फिक्स इसमें भी फिक्स ले लेता हूँ, ठीक है? दूसरे व्यू में जाओगे, यहाँ मैं वो अपनी बिन डाल देता हूँ, ठीक है? सेव कर दिया, मेरा काम है, ठीक है? तो मेरा मटेरियल अब वेयर हाउस के लिए हो गया, अब मैं मीगो करूँगा तो मुझे एरर नहीं आए, ठीक है? आप ये लिया, यहाँ पे फिर अपनी लोकेशन डाली, ये लोकेशन पीओ से आ रही है, अगर हटा देंगे तो बार बार नहीं डालनी पड़े, ठीक है? वहाँ इजीली डाली थी क्योंकि हमने वेयरहाउस पे भी टेस्टिंग नहीं की, ओके किया, और क्वांटिटी हम जाके थोड़ी कम कर देते ताकि टेस्ट डेटा बचे, चेक डेट हमें ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है? लोकल करेंसी कंपनी इज नॉट कंप्लीटली डिटरमाइंड, ये क्या हो गया? ये फाइनेंस का एरर आ गया, लोकल करेंसी फॉर कंपनी को TWPN कैन नॉट बी कंप्लीटली डिटरमाइंड, देख लो जरा क्या है ये, एप्लीकेशन यस कुछ एरर नहीं आ रहा, किसी ने कॉन्फ़िगरेशन छेड़ दिया है इसका, या पुराने वाले में भी यूटिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एक बार जरा पीओ में देख लेते हैं, क्योंकि मीगो करते समय तो ये हमें एरर आई नहीं थी, भी ऐसे एरर आए और तुम्हें लगे कि समझ नहीं आ रहा है, एक बार जाओ गूगल मार लो, कैन नॉट बी कंपनी ब्लॉग पे ऐसे भी मैं दे रखा है, ठीक है? वो तुम्हें एरर बता देगा, वो जाके ठीक कर लो, ऐसे भी मैं यहाँ तो तुम्हें सारे ऑथराइजेशन है, ये फाइनेंस देखता है इसको, ठीक है? ये क्या कह रहा है,
This cause of error is controlling area 20 is assigned to company code as parallel currency FI and A. For this scenario, मैंने चार पांच दे दिए ये, ठीक है, ये नोट दे दिया, ये दे दिया कि इसको पढ़ के देखो ये इशू क्यों आ रहा है, दूसरा एक ये दे दिया, तीसरा करेंसी ये 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 फाइनेंस कंट्रोलिंग का, ठीक है, आई होप कंसीडरिंग नहीं है अप्लाइंग, इट इज इम्पोर्टेंट चेक यू कंट्रोलिंग एंड अफिलिएटेड, एक बार ओबी 22 देख लेते हैं, एरर को हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ओबी 22 कंपनी हमारी क्या है, पीडब्ल्यूपी, करेंसी इसमें दिख रही है कहीं, हाँ मैं डाली थी ये ना, ये तुमने कब चेंज करी है तुमने, कल यही तो गड़बड़ कर दी तुमने, अब ये चेंज करने नहीं दे रहा है, अच्छा क्यों, अब यहाँ तुमने छोड़ दी, तो उसमें एक ही जगह आया था उसको बस, हाँ तो जहाँ तो कहाँ चेंज की तुमने ये YSPRO से एंटरप्राइज में जाके वैसे फाइनेंस में जाके जहाँ एडिट कॉपी, यही यही है ये, तो मैं कहीं की करना नहीं होगा क्योंकि अभी देखो एडिट आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना, चेंज कैसे करें, वो इंडियन में ये यूरो में, इसीलिए तो कह रहा है कि यार पहले एरर नहीं दिया था ना उसने, पहले तो मीगो में एरर ही नहीं आ रही थी, लोकल करेंसी नॉट डिटरमाइंड कह रहा है ना, तो ऐसी कोई चेटिंग मत छेड़ना जहाँ पे ये भी सिंपल सिंपल आया, ये तो आया ही नहीं था, ये तुम्हें याद है ये पहले भी एरर आ रहा था, हमने इतनी मुश्किल से इसको निकाला था, वो तो हम वो लिंक कर रहे थे वहां से बहुत जगह से ऐड कर लगे थे सीधे, भाई वो सारी चीज नहीं चढ़ना क्योंकि ये ऑथराइजेशन ना फाइनेंस की ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये WMMM की नहीं है, तो देखो कोई एरर नहीं आ रही है, पर पोस्टिंग पे क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री बनती है ना, तो इसीलिए पूरी कंपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से करनी पड़ेगी, क्योंकि उधर तो मैं पोस्ट हो गई, ठीक है, तो अब मैं भगवान तो हूँ नहीं, सब कुछ मुझे पता है ना, तुम हो तो जो भी चेंज करने से पहले डॉक्यूमेंट बनाया करो, कभी भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करो, ये तो टेस्ट सिस्टम है, भगवान करे अगर कहीं मौका मिले तुमने ऐसी कोई गड़बड़ कर दी तो अगले दिन जवाब देना भारी पड़ता है, ठीक है, रुक जाएगा, अब जी आर रुक गई तो फिर काम ही नहीं होगा, आप देखो वेयर हाउस में आते हैं, तो देखो जैसे ही वेयरहाउस में जाओगे 902 एक एरिया होता है स्टोरेज टाइप, ये बनाया गया है जब भी गुड्स परचेज ऑर्डर से रिसीव्ड होगा, तो ये वो एरिया है जहां पे अनलोडिंग होती है, ठीक है, जीआर एक्सटर्नल रिसीप्ट, जब भी बाहर से जीआर आएगा गाड़ी कहां खड़ी होगी, जीआर एरिया में स्टोर के बाहर, ये वही एरिया है 902, ठीक है, अभी देखो पहली टीआर बनी है, टीआर क्या होती है, ट्रांसफर रिक्वेस्ट, और टीओ होता है ट्रांसफर ऑर्डर, वेयर हाउस के अंदर तुम्हें बस यही सुनने को मिलेगा टीआरटीओ, ठीक है, तो वेयर हाउस में कुछ भी मूव करने के लिए ये बनेंगे, तो टीओ बनेगा कंफर्मेशन के लिए, टीआर बनेगी सिस्टम की इंफॉर्मेशन, ये 902 समय कॉमन रहेगा, 902 रिसीव करते समय कॉमन रहेगा, कहीं भी जाओगे पूरे वर्ल्ड, अच्छा ना, प्रोडक्शन ऑर्डर से जब रिसीव करोगे तो 901 आएगा, ठीक है, आज मैं इतना ही बता रहा हूँ, 901 प्रोडक्शन रिसीप्ट, 902 बाहर से परचेज ऑर्डर करके ला दे, ठीक है, अब ये देखो टीआर देखने की ट्रांजैक्शन होती है वो LB03, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन है, गए यहीं से चले जाओ, मेरे हिसाब से यहीं से खोल देगा, डबल क्लिक करो, हाँ भाई ट्रांजैक्शन बहुत सारी खुली है, बंद कर देता हूँ, LB03 भाई ये पार लगा देगा सबको, सही से सीख लो, इंटरव्यू देना चालू कर दो, नौकरी लग जाएगी, देखो टीआर बन गई बट इसका टीओ नहीं बना, ठीक है, तो ऐसे केस आते हैं, टीआर बनती है टीओ नहीं बनता, मैनुअल बनाने का ऑप्शन है, मैं अभी तुम्हें वही सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑटोमेटिक किया नहीं, तो अब टीआर से टीओ बनाना हो
तो एन एल टी जीरो फोर ट्रांजेक्शन एल टी जीरो फोर, ठीक है, टी आर से जब टी ओ बनाना, ठीक है, टी आर हमारे पास थी, हम गए टी ओ की अब रेफरेंस ले आए, अब हम जब जाएंगे तो पूछेगा कि तुम्हें अब रखना कहाँ है, ठीक है, तो सोर्स तो हमें पता है जी आर एरिया में है, रखना कहाँ है अभी से, तो हमें वो डालना पड़ेगा, तो अब बताओ कि रखेंगे कहाँ, हम रख रहे हैं डेस्टिनेशन अपना वेयर हाउस जो है टी डब्ल्यू पी, और एरिया हमारा ओपीडी स्टोरेज टाइप, सॉरी स्टोरेज टाइप पहले आएगी ना, ओपीडी स्टोरेज टाइप, ठीक है, सेक्शन 001, और बिन हमने क्या बनाई है, अब ये एक चीज पूछ रहा है एंटर स्टोरेज यूनिट टाइप, ये हमने बनाई नहीं, ठीक है, देख लेते हैं इसमें आ रही है तो ठीक है, नहीं तो इसकी इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है आ रही है, ठीक है, तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया, एंटर मारा, ये कह रहा है अलाउड स्टोरेज टाइप नॉट डिफाइंड फॉर ओपीडी, तो इसके लिए ये स्टोरेज टाइप बनी ही नहीं है, मैं कोई दूसरी स्टोरेज टाइप ले लेता हूँ, ओपीडी में बाद में रखेंगे, ठीक है, ठीक, तो हम ले लेते हैं 00 स्टोरेज टाइप नहीं ले लेते हैं, ठीक है, एक बार बिन देख लेते हैं इस स्टोरेज टाइप में कितनी बिन है, LS04 में जाओगे, ठीक है, ये वीडियो तुम्हें कम से कम 4-5 देखनी पड़ेंगी, 4-5 बार, तब तुम्हें सारी चीजें याद, आपने दे रखी है, अभी रिकॉर्ड हो रही है, तो जब जाओगे 001 में देख लो जरा बिन है क्या, नहीं है कोई बिन, तो बिन बनाना हमने सीख लिया था LS01N, मैं 001 में बिन बना दे रहा हूँ, 001 ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे, बिन टाइप वही दे दो, तो बिन बनाने के लिए इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई क्या क्या चाहिए, ठीक है, 001 बना दिया, 001 001 और 001, 001 इज ब्लॉक फॉर प्लेसमेंट स्टोरेज टाइप, किसी ने ब्लैक ब्लॉक कर दिया, मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, सारी लर्निंग इसी में हो गई तुम्हारी, यही आता है, ठीक है, हमारे क्या वेयर हाउस है टी डब्ल्यू पी, इसने इधर कोई बंद रखी, अरे अगर हम बंद कर देंगे तो वो स्टॉक उसमें जाएगा ही नहीं, बिल्कुल, बहुत कंट्रोल है इसीलिए बनाया गया है सर, इस टाइप बनाई नहीं, मुझे लग रहा है बनानी पड़ेगी, कोई भी नहीं है, ठीक है, अब देखो क्या लिख रहा है, क्या दिख रहा है, 10 क्वांटिटी इस मटेरियल की, ठीक है, इस लोकेशन से हमने उठाया 902 से और इसको वहां रख दिया, ये ट्रांसफर ऑर्डर बन गया, ठीक है, ये टीआर और टीओ में अंतर क्या होता है, ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज इंटरनल प्लैंड रिक्वेस्ट, कि कहाँ से मटेरियल कहाँ जाएगा, ये प्लानिंग है सिस्टम, ठीक है, और टीओ उसका कंफर्मेशन है कि वो मटेरियल वहां चला गया, ठीक है, अब ये टीओ बन गया है एक, ठीक है, तो अब इसको देखोगे तो ट्रांजेक्शन टीओ देखने की है NLT21, इस पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है ट्रांसफर ऑर्डर, उसको देख लेना, उसमें बहुत सारी चीजें डाली है, तो देखो ये आ गया, ये मटेरियल की 10 क्वांटिटी कहाँ पे जानी है, 001 में, और ये क्या है, रेड, रेड मतलब अभी गया नहीं है, ग्रीन मतलब चला गया, ठीक है, एरर भी तो होता है, हाँ, अगर नॉट इक्वल टू आया मतलब पूरा नहीं गया है, आधा गया, पार्शियल गया, इक्वल टू मतलब पूरा चला गया, तो इसको कंफर्म करने की ट्रांजेक्शन है LT12, तो डायरेक्ट LT12 करोगे तो यही खुलेगा, ठीक है, एंटर मारोगे, सेव करोगे, ये पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन कंफर्म, तो अब इसका जब ट्रांजेक्शन देखोगे NLT21, तो इसका जो टीओ है पूरा का पूरा क्या हो गया, ग्रीन, यानी पूरी की पूरी क्वांटिटी कहाँ चली गई, इस बिन में, अब हमें स्टॉक देखना है, पहले तो खाली था, अब इस पे बिन पे स्टॉक देखना है, तो बहुत सारे टी कोड है, मैं तुम्हें दो बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, LX02 001 हमारा ये था, 001 हमारी लोकेशन, ठीक है, तो जब वेयर हाउस में जाके देखोगे तो देखो 10 पीस टोटल पहुंच गया, ठीक है, कहां पे 001, ठीक है, ये है पूरा स्टॉक देखने का वेयर हाउस के अंदर,
अगर तुम ये हटा दोगे बिन, तो पूरे वेयर सारे वेयर हाउस का स्टॉक ले आए, ठीक है। हमारा नया वेयर हाउस है तो ये पहली बार गुड्स आया, ठीक है। दूसरा एक हमने जो ट्रांजेक्शन बताई है NLS03N देखने के लिए, वहां से भी तुम देख सकते हो कि किस बिन में कितना मटेरियल गया। तो देखो अभी तुम्हें दिखा रहा, देखो ये मटेरियल स्टॉक में जाके देखो तो ये तुम्हें पूरी डिटेल दिखाएगा। ये मटेरियल 10 पीस कब आया है, आज के दिन 11 जून, ठीक है। आज 10-12 अब इधर देख लो किसने दिया, ये हमारी यूजर आईडी है, ये हमारा टाइम है कि किस कब मूव हुआ है, ये आता है इन्वेंट्री देखने के लिए, ठीक है, अगर वहाँ इन्वेंट्री हो रही है उस पर, तो ये आता है स्टॉक देखने के लिए, ये आता है बिन के बारे में देखने के लिए कि बिन ब्लॉक तो नहीं है, स्टॉक तो नहीं है, जो भी, ठीक है। ये देखो एक क्वांट बन गया, दिख रहा है एक क्वांट, मतलब इसमें एक क्वांट जनरेट हो गया। वो क्वांट तुम्हें अगर देखना हो तो तुम यहाँ से देख सकते हो। अलग अलग ट्रांजेक्शन बता दूंगा क्वांट सब देखने की, अभी तो आज इतना ही लेते हैं, इतना ही क्लोज कर, ठीक है। मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, तुम्हारी यही क्लास अब चलती रहेगी, ठीक है। वीडियो बड़ी हो गई है।